हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा करंटली नॉट इंडेक्स, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस साल शुरू करी है कि मैं गूगल सर्च कंसोल की एक सीरीज स्टार्ट की है, इसके जो एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं कवर करता रहूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे हम गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं, पेजेस में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, लाइक रीडायरेक्शन एरर, लाइक ये वाला जो एरर है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, 404, 5xx एरर, ये सारे एरर आ जाते हैं। तो आज हम इस एरर को कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं दो एग्जांपल लूँगा जो ये दोनों हैं। एक है कैलिफोर्निया ट्विन लेक्स, एक है साउथ ऑस्ट्रेलिया एमओबे एमओ बीच। इन दोनों के हेल्प से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रोसेस क्या होता है, ये इशूज़ क्यों आते हैं प्रैक्टिकली। बट थ्योरेटिकली पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं। तो जो जितना मैंने गो थ्रू करा आरएनडी करी, उस हिसाब से मेरा जो मुझे लगा कि पहला पॉइंट ये है कि वेबसाइट हैज़ टू मैनी पेजेस। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो क्रॉलर जब आता है तो शायद उसका उस वक्त उतना क्रॉल बजट नहीं होता है। इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, दैट वीडियो मैं आई बटन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट और एट पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक तो क्रॉल बजट का इशू होता है, और कई बार क्या होता है जब क्रॉलर के पास क्रॉल बजट भी होता है तो जो हमारा सर्वर होता है उस वक्त उधर सर्वर साइड को इशू हो रहा होता है, तो वो उतने पेज लोड नहीं करता जितनी रिक्वेस्ट जो बॉट्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, वो जनरेट करते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में दो चीज़ें कवर हो गई। फर्स्ट कि वेबसाइट हैज़ टू मेनी पेजेस, क्या पता क्रॉलर आए उस वक्त उसने वो पेज क्रॉल नहीं करा, बाद में कर ले। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कई बार वेबसाइट के टू मेनी पेजेस होते हैं, और वो मेरी वेबसाइट का भी है। आप कहीं ना कहीं देख लीजिए कि ये जो वेबसाइट है मेरी, अभी यहाँ पे इफेक्टेड पेजेस जो कि क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड हैं, ये 176,000 हैं, केवल यही पेजेस। आगे तो इश्यूज और भी आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आप ऐसे देखते रहेंगे कि बहुत ज़्यादा पेजेस मेरे ऐसे हैं जो इंडेक्स नहीं है। तो एक पोर्शन ही 176,000 पेज का जो इस इशू से इफेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो। कई बार हमारी वेबसाइट पे टू मेनी पेजेस होते हैं, वो भी रीज़न होता है, और ये भी होता है कि टू मैनी पेजेस होते हैं तो क्रॉल बजट उतना हमारा नहीं होता है। तो क्रॉल बजट का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो मैं आई बटन में आपको लिंक देख सकते हैं आप। दूसरा है वेबसाइट का जो ये वाला पर्टिकुलर पेज है, नॉट इन साइट मैप, ये पेज साइट मैप में ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, साइट मैप का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है आई बटन में, वो भी देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या होता है, साइट मैप मैंने जैसे बताया एक्सएमएल साइट मैप जो क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है, कि हम एक क्रॉलर की कन्वीनियंस के लिए और अपने लिए भी, कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह हो जहां पे क्रॉलर आए और सारे पेज गो थ्रू करके चला जाए। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे साइट मैप में 10,000 पेज है फॉर एग्जांपल, अब उसमें ये पेज था ही नहीं, तो यही साइट मैप की इंपॉर्टेंस और वैल्यू बढ़ चलती है कि अगर ये यूआरएल उस साइट मैप में होता कहीं ना कहीं, तो आज ये इंडेक्स हो गया होता, क्योंकि क्रॉलर को एक जगह सारे पेजेस मिले। ये भी एक रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड रीजन है नॉट रेफरिंग पेज, ऑर्फन पेज कंडीशन। कई बार क्या होता है, हमारा जो ये पेज होता है जो कि क्रॉल नहीं हुआ, इसको किसी पेज ने रेफर ही नहीं करा। मैं आपको एग्जांपल देके भी दिखा देता हूँ कि मान लो ये वाला पेज है एमओ बीच का, तो आप देख सकते हैं साइट मैप्स, नो रेफरिंग साइट मैप्स डिटेक्टेड, रेफरिंग पेज नन डिटेक्टेड। मतलब ना तो एक ये वाला पेज किसी साइट मैप में था जो एग्जिस्टिंग साइट मैप है हमारे सैंडी के, और ना ही किसी पेज ने इसे रेफर करा। तो ये एक ऑर्फन पेज की कंडीशन भी कहीं ना कहीं बन गई कि कोई इस पेज को रेफर ही नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, दो कंडीशन हो गई। कई बार क्या होता है, क्रॉलर आता है साइट में, उसने नहीं दिखा लेकिन वो क्रॉलिंग कर रहा होता है, और अगर ये पेज किसी पेज से एसोसिएटेड होता तो कहीं ना कहीं क्रॉलर उस लिंक से इस पेज पर पहुँच के कॉन्टेंट अच्छा देख के इसे इंडेक्स कर लेता। ठीक है, तो इसी की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ट्विन लेक है, ये वाला पेज है, ये वाला पेज भी आप देख सकते हैं, ये वाला पेज भी इंडेक्स नहीं है। एक मिनट, जो भी इमेजेस आ गया, हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पेज भी पेज इज नॉट इंडेक्स, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स, ये कंडीशन है। लेकिन आप देख लीजिए, ये वाला पेज दोनों साइट मैप्स में था, ठीक है, और रेफरिंग पेज भी था, किसी एक पेज ने से रेफर भी करा था। ये वाला जो पेज है, मैंने इसे ओपन करा है यहाँ पे,
देखिए फ्रेंड्स, ये वही पेज है जो इसे रेफर कर रहा है, और रेफरिंग पेज में इसका लिंक यहाँ दिखा, आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, https://any.com यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया ट्विन लेक्स। कहीं ना कहीं इस ये पेज जो था, इसका रेफरिंग पेज ये था, जो कि अभी हमारा क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई कि कई बार क्या होता है कि हमें वो पेज भी मिल जाता है कि जिसने रेफर करा, कई बार साइट मैप भी होता है, उसके बाद भी कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि क्रॉलर जरूरी नहीं समझता या उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको इंडेक्स करूँ। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए ये यही पेज है जो अभी क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स है, इसका इशू क्या हुआ, ये साइट मैप भी था और इसके रेफरिंग पेज भी थे, रेफरिंग पेज इसका एक था और ये दो साइट मैप में भी था, लेकिन ये क्यों नहीं क्रॉल्ड हुआ, ये क्रॉल्ड तो हुआ इंडेक्स क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न आप देखिए, इस पे कंटेंट ही नहीं है फ्रेंड्स, इस पेज पे कंटेंट ही नहीं है। जैसे मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं तो आप देख सकते हैं, मेरा फोर्थ पॉइंट जो है, जो मैं आने भी वाला था, इसमें कवर हो जाएगा, कंटेंट इज लो क्वालिटी एंड थिन कंटेंट। तो आप देख सकते हैं लो क्वालिटी, गूगल ये करता है कि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर होता उससे कंपेयर करता है इसी सेम पेज का ट्विन लेक का, तो अगर उसका कॉन्टेंट अच्छा होता, इसमें कॉन्टेंट भी होता लेकिन उसका कॉन्टेंट अच्छा होता और इसका उतना अच्छा नहीं होता, तो फ्रेंड्स क्या हो जाता, तब भी ये इंडेक्स नहीं करता, क्योंकि एक क्वेरी यूजर ने जनरेट करी ट्विन लेक्स की, हमने भी पेज बनाया, हमारे कॉम्पिटिटर ने बनाया, बट कॉम्पिटिटर का क्यों इंडेक्स हुआ, क्योंकि वो एक फुलफिल कर रहा है एक यूजर की रिक्वायरमेंट, उसकी इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारा पेज नहीं कर रहा। सेकंड है थिन क्वालिटी, थिन क्वालिटी फ्रेंड्स मतलब पेज का में नंबर ऑफ वर्ड्स ही कवर नहीं कर रहे, एक जो थिन क्वालिटी होती है फ्रेंड एक पेज की होती है 600 से 700 वर्ड्स, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आप कितने कीवर्ड टारगेट भी कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम 500 वर्ड्स जरूर होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 600 700 तो बोला जाता है, पर 500 वर्ड्स भी हैं तो इट मीन्स यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट इन टर्म्स ऑफ सर्च, इन टर्म्स ऑफ अपियर्स इन सर्च रैंकिंग एज कम्पेयर टू योर कंप्यूटर, बट दैट एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट शुड बी क्वालिटी एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर एज वेल। तो हमारे यहाँ दो पॉइंट क्लियर हो गए कि भाई ये इसलिए भी इंडेक्स नहीं हुआ, ये साइड दो साइड मैप में जरूर था, रेफरिंग भी इसे एक पेज कर रहा था, ये वाला पेज भी इसे रेफर कर रहा था, यहाँ से देख सकते हैं ये URL इसको रेफर कर रहा है ट्विन लेक्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया, लेकिन कॉन्टेंट ही नहीं है फ्रेंड, तो कैसे गूगल इसे इंडेक्स करा लेगा। तो हमारा ये चौथा पॉइंट कवर हो गया, डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एक वेबसाइट में दो से तीन पेज ऐसे होते हैं, दो पेज ऐसे होते हैं जो गूगल ये फील कर लेता है कि यार ये सेम ही लग रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन में वो उसे कंटेंट को इंडेक्स नहीं कराता है, ये एक कैनोनिकल भी कंडीशन होती है, उसका मैं नया वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, उसमें ये होता है कि गूगल अपने हिसाब से जो उसे पेज दोनों में से अच्छा लगता है एक को इंडेक्स करा लेता है और एक को नहीं कराता है, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो डुप्लीकेट कंटेंट एक कैनोनिकल का इशू भी आ गया, एक दूसरा इशू भी आ गया कि मान लीजिए दोनों पेज अलग थे URL के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं लुक एंड फील कंटेंट ऑलमोस्ट गूगल को सेम लगा, इसलिए भी क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्सी कंडीशन आती है। सिक्स पॉइंट है फ्रेंड, पेज इज ब्लॉक्ड बाय robot.txt और हैविंग डिसअलाउड टैग। देखो सिक्स पॉइंट फ्रेंड्स मैं इस तरीके से आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मान लीजिए ये एक पेज है, ये दोनों ही पेज का मैं दिखा देता हूँ, एमओ पेज का भी दिखा देता हूँ और इसका भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप ट्विन लेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कभी भी आप को ये URL, जैसे मुझे दोनों URL मुझे यहाँ मिले क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स में, एक ट्विन लेक्स एमओ पेज, मैंने इनको URL इंस्पेक्ट करा, जब मैंने URL इंस्पेक्ट करा तो मैंने क्या पाया, बहुत सारी चीज़ें कि लास्ट क्रॉल हुआ था 30 जनवरी को, ठीक है क्रॉल कैसे गूगल स्मार्टफोन वाला बॉट था, क्रॉल अलाउड येस है, पेज सक्सेसफुली फैच हो रहा है और इंडेक्स अलाउड येस है। अब फ्रेंड क्रॉल अलाउ भी है और इंडेक्स अलाउड भी है, क्रॉल अलाउ कि ये बात आ गई आप robot.txt कि आपकी जो वेबसाइट्स है उसमें तो कहीं ये पेज नो इंडेक्स नहीं करा हुआ, डिसअलाउ की कंडीशन तो नहीं लगा रखी। तो मान लीजिए जैसे मैं robot.txt पे गया sandy.com के, तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक बेसिक robot.txt बना रखी है, यूजर एजेंट फॉर ऑल सर्च इंजन बोर्ड्स अलाउ, सारे पेजेस के लिए अलाउ है, रेफरेंस का साइड मैप दे रखा है, तो यहाँ पे कहीं तो डिसअलाउ तो है नहीं कि उस पर्टिकुलर पेज को डिसअलाउ कराओ, जो ये वाला पेज है ट्विन लेक्स, तो इसका मतलब
रोबोटो टी एक्स टी में हमारा ये पेज डिसअलाउ नहीं है। अब इंडेक्सिंग अलाउड भी मैं फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रैंडम वेबसाइट लिया, उसका व्यू सोर्स पे गया हूँ, तो इसमें क्या होता है, मेटा रिपोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखो कंटेंट लिखा है इंडेक्स और फॉलो। अगर यहाँ नो इंडेक्स लिखा होता ना फ्रेंड्स, तो क्रॉलर यहाँ आता और इसको इग्नोर कर देता। मतलब हम एज अ वेबसाइट ओनर ही नहीं चाहते या वेबसाइट हैंडलर ही नहीं चाहते इस पेज को इंडेक्स कराया जाए। तो ये ऐसे टैग्स आप देख सकते हैं, वो भी मैंने चेक करा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस पेज में जाता हूँ, ट्विन लेक्स पे जाता हूँ, तो कहीं नो इंडेक्स चेक तो नहीं लगा। तो ये आपका ट्विन लेक्स का पेज है, और अगर मैं इसके व्यू सोर्स पे जाता हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए कंट्रोल यू करके, कंट्रोल एफ, नो इंडेक्स, फ्रेंड्स में नो इंडेक्स चेक नहीं लगा है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है इंडेक्स का। तो इसमें बहुत सारे मतलब कोडिंग पार्ट का, तो इसमें फ्रेंड्स कहना अगर नो इंडेक्स होता तो यहाँ पे ज़रूर दिखता हमारा। तो इसमें आपका नो इंडेक्स चेक नहीं लगा है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो हमारा सेवंथ पॉइंट था, सिक्स पॉइंट था, पेज इज ब्लॉक्ड बाय, ना रोबोट और टीएक्सटी में है, ना कोई एक ऐसा मेटा रोबोट टैग लगाया जिसमें हमने, जैसे ये तो सिक्स और सेवन दोनों कवर हो गए, इसके हिसाब से तो रोबोट और टीएक्सटी में डिसअलाउ टैग नहीं लगाए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डिसअलाउ टैग, ऑल पेजेस आर अलाउ है। और हमने उधर भी जाके आपको चेक करा दिया, मैंने उधर भी जाके आपको चेक करा दिया, वहाँ पे भी कोई नो इंडेक्स टैग नहीं लगाए। एट है क्रॉल इशू, सर्वर इशू, क्रॉल बजट फ्रेंड्स वही है। अब क्रॉल बजट का मेरे पास एक डेप्थ वीडियो है। क्रॉल बजट फ्रेंड्स ये होता है कि आप अपने वेबसाइट पे रेगुलर काम करती रहिए, जितना आप काम करेंगे, जितना वेबसाइट पे आप कंटेंट अपडेट करेंगे, न्यू पेजेस लाएंगे, न्यू ब्लॉग्स अपडेट करेंगे, गूगल अपना क्रॉल बजट बढ़ाता चला जाएगा। फर्ज करिए वो पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया 5000 पेज थे, अगली बार आया उसने देखा 5 से 7 हज़ार हो गए, अगली बार आया 9 हज़ार हो गए, 10 हज़ार हो गए, तो वो उसको ये पता होगा कि बाकी वेबसाइट्स पे मैं जाऊंगा वो लोग अपना कंटेंट अपडेट नहीं कर रहे, वही कंटेंट घिसा पिटा पड़ा है, लेकिन ये एक वेबसाइट है जिसके नए नए पेजेस भी बन रहे हैं, कंटेंट भी अपडेट हो रहा है एज पर गूगल एल्गोरिथम। तो आप ये देखिए कि गूगल के क्रॉल जो बॉट्स होंगे वो अपने आप बढ़ा देंगे। तो ये भी एक पॉइंट होता है क्रॉल इशू का, कि आप चाहते हैं ना कि कोई आपका नया पेज इंडेक्स हुआ है, तो आप वो अपनी वेबसाइट को उस तरीके से सर्वर इशू को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई क्रॉल बजट तो क्रॉलर ने बढ़ा दिया, लेकिन क्या आपका सर्वर हैंडल कर पा रहा है उतना प्रेशर, कि उसने बोला कि मुझे 5000 क्रॉल बजट की रिक्वेस्ट जनरेट करी, क्या क्रॉलर जो सर्वर है क्या वो पेज इंस्टेंटली लोड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैं इसको आपको छोटा सा करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस सेटिंग पे जाते हो, मान लीजिए मैं आपको अपनी सेटिंग पे लेके चला जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए क्रॉल स्टैट्स में लेके जाता हूँ लास्ट 90 दिन का। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, कभी रिक्वेस्ट आई 16,687, कभी आए 8,669, कभी आई 5,700, लेकिन आप देख लीजिए कि 30 दिसंबर 2023 लास्ट ईयर एक ही दिन में क्रॉल रिक्वेस्ट इतनी जनरेट हुई 37,703। तो उस हिसाब से हमारा सर्वर भी उतना एफिशिएंट होना चाहिए कि क्रॉल रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करेगी, जितने पेज उन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट करी आप लोड भी करो। तो आपको फ्रेंड्स ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा क्रॉल इशूज़ का। 9 पॉइंट फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं रेंडरिंग इशू होता है कि पेज इज़ नॉट अपीयरिंग फुली वाइड क्रॉल्ड। कई बार क्या होता है कि क्रॉल बजट क्रॉलर्स आए, उन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट करी, पेज ओपन नहीं हो पाता, इसके इशूज़ काफ़ी हो सकते हैं। सर्वर इशू भी हो सकता है फ्रेंड्स, कई बार कोर वेब वाइटल्स भी हमारे कहीं ना कहीं की इश्यूज हो सकते हैं, कि एक LCP बोला जाता है कि लेस देन 2.5 सेकंड, मतलब मिनिमम 2.5 सेकंड पर पेज ओपन हो जाए, 2.5 से 4। कई बार क्या पता पेज ओपन होने में रेंडर इश्यूज आए, कि सारे जो एलिमेंट्स हैं पेज के पॉपअप, वो सारे एलिमेंट्स, मेन्यू सेक्शन, हेडर, नेविगेशन, ये सब अपीयर होने में इतना टाइम लग गया कि क्रॉलर चला गया, उसने बोला कि हाँ भाई ये टाइम लगा रहा है, टाइम टेकन है, तो मे बी क्रॉलर मूव टू अनदर पेज। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सर्वर का इशू भी हो सकता है, हमारे कोर वेब वाइटल्स भी हो सकते हैं, इनको हमें अपडेट करना ज़रूरी है। 10th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये भी है, मेटाज आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड। फ्रेंड्स ये आपको लगेगा कि ये इशू मैंने लिया है, ये मेरे को लगता है कि ये इशू हो सकता है, मैं पर्सनली इस इशू को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप देखिए क्या होता है ना कभी कभार कि आपकी जो वेबसाइट के कई बार पेजेस होते हैं ना, उसमें ना डेवलपर कोई क्वेरी चला देता है जिसमें
मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली लगते हैं, एक जैसे लगते हैं सारे। तो कई बार, और मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, मान लीजिए जैसे मैं अभी इसी पॉइंट पे काम भी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये दो बीच उठाए, ये दो बीच मैं ओपन करता हूँ, एक ये और एक ये नीचे वाला फॉर एग्जांपल, मैराइन पार्क बीच, और मैंने दूसरा बीच एलामिटोस बीच, ये दोनों मैंने बीच पेजेस ओपन करे। मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ये 10 पॉइंट मैं कवर करना चाहता था स्पेशली। तो अगर मैं इसके, ये मेरा एक क्रोम एक्सटेंशन है, इस पर मैं गया तो इस पर जब क्लिक करते हैं तो पता चल जाता है उस पेज का मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आप देख लीजिए, इस पेज का मेटा टाइटल है मदर्स बीच मैराइन पार्क बीच यूनाइटेड स्टेट ऑल यू नीड टू नो। और आप ये देख लीजिए, लर्न अबाउट एंड डिस्कवर मदर्स बीच मैराइन बीच लॉन्ग बीच वी हैव ओवर 100 कैटेगरीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब मैं दूसरे पेज पे गया, आप दूसरे पेज में भी देख सकते हैं एलिमिटोस बीच यूनाइटेड ऑल यू नीड टू नो, और सेम है लर्न एंड अबाउट डिस्कवर। आप समझे कि एक क्वेरी चला दी गई है जिसमें कि ये बोला है कि भाई बीच नेम चेंज कर दो, ऑल यू नीड टू नो सेम रहे, यूनाइटेड स्टेट सेम रहे क्योंकि हम यूएस के बीच रहे, और यहाँ पे भी बीच नेम चेंज कर दो, बाकी घिसी पिट गया कि वी हैव 100 कैटेगरीज। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैंने एक 10 पॉइंट अपने मन से लिया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई जब क्रॉलर आया, क्रॉलर ने फील करा कि केवल बीच नेम चेंज कर रहे हैं ना, तो ये कीवर्ड ऑप्टिमाइज पेज है ना कीवर्ड ऑप्टिमाइज मेटाज हैं। लेकिन अगर इसके कंप्यूटर की बात की जाए तो उस पर कीवर्ड ऑप्टिमाइज पेजेस भी और कीवर्ड ऑप्टिमाइज मेटाज भी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारा पेज क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स में आया, कि क्रॉलर को ये लगा ही नहीं कि इन्होंने केवल बीच नेम को लिख दिया ऑल यू नीड टू नो, और नीचे भी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी उस बीच नेम को चेंज करके घिसी पिटी लाइन जो एक क्वेरी चलती आ रही है। तो गूगल या क्रॉलर क्यों ऐसे पेज को इंडेक्स करेगा फ्रेंड, जिसमें उसको लग रहा है कि खाना पूर्ति हुई है, वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या पता हमारे कंपिटिटर ने हमसे अच्छा काम करा हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वीडियो मैंने एक बना रखा है फ्रेंड्स, इसका आई बटन में मैं आपको लिंक भेजूंगा। मैंने कीवर्ड के हिसाब से इस पेज के मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने ये दोनों पेजेस दिखाए थे, फॉर एग्जांपल ये जो पेजेस थे मैंने अभी बंद कर दिए फ्रेंड, तो इन दोनों पेजेस के हिसाब से मैंने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करा था उसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसका आई बटन में आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इशू क्लियर हो गया होगा आज कि क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड, जब आपके सारे पॉइंट फुलफिल हो जाएं, जब आपको लगे कि भाई कंटेंट भी मैंने अच्छा डाल लिया है, साइट मैप में भी मैंने इसको सबमिट करा दिया, अगर ना भी हो, फॉर एग्जांपल क्योंकि एक बात ये भी है फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन लोग इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लोग मैंने अपने साइट मैप के वीडियो में कॉल करा है कि ज़रूरी नहीं जो URL साइट मैप पे ना हो वो इंडेक्स ना हो सके, तो उसका नॉट दूसरी कंडीशन आ गई रेफरिंग पेज। क्या पता रेफरिंग पेज भी ना हो, लेकिन क्या पता हमने कहीं उसका बैकलिंक बनाया उसके थ्रू क्रॉलर उस पेज पे पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा पॉइंट है जब ये 10 पॉइंट से आप सेटिस्फाई हो जाओ कि एक वेब पेज पे, मैं इस पेज की बात कर लेता हूँ कि इस पे कंटेंट अच्छा हो, इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है फ्रेंड, इसके मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो, कंटेंट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, थिन कंटेंट ना हो, तब हमें सोच समझ के इसकी रिक्वेस्ट जनरेट करनी चाहिए। यहाँ पे आप जाएंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे, लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि आप लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस जो एल्गो हैं, जो GSC में जैसे होता है लर्न मोर में आप जाके देख सकते हैं, क्या पता इन 10 पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर कोई पॉइंट मैंने कवर ना करा हो इस इशू को लेके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को ये सब्सक्राइब शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ अपने एज मच एज पॉसिबल, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइए कि कुछ मुझसे छूट गया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।